बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिकन मैक्रोनी बनाएंगे बहुत डिफरेंट स्टाइल से और बहुत ही मज़े की बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। ये देखिए, मैंने एक मैक्रोनी का पैकेट लिया है, इसको हम बॉईल कर लेंगे। 7 to 8 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे और इसके बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। नमक डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं ऑयल ऐड किया है ताकि ये चिपके नहीं। बहुत मज़े की बनती है, घर में दावत में रखें, ऐसे रखें, ज़रूर बनाइएगा इसको। देखिए, अब मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून इसके अंदर ऑयल डाला है। 10 से 12 लहसुन की कलियां मैंने बारी फाइन चॉप कर ली हैं, इसमें ऐड किए। थोड़ा सा हम इसको देसी टच दे के बना रहे हैं, बहुत मज़े की बनती है। 1 अनियन लिए जिसको फाइन चॉप कर लिए, इसको भी हल्का सा सौते करेंगे हम। अब ये मैंने 300 ग्राम चिकन लिया है बोनलेस, इसको छोटी छोटी बोटियों में काट लिया था, इसको ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट वॉच किया करें, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है मैंने। हम लोग देसी टच देते हैं तो इसलिए थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा रखें, वरना अगर आपको स्पाइसेस नहीं पसंद हो तो आप सिर्फ ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए, एक टमाटर मैंने लिया है, इसको फाइन चॉप कर लिया, इसको भी ऐड कर रही हूँ। चार से पाँच मिनट इसको हमने पकाया है। अब ये मैंने शिमला मिर्च 2 और 2 गाजरें मैंने काट के रखी थी, उसको ऐड कर रही हूँ मैं। सारी चीज़ें आप प्रिपरेशन पहले से करके रख लें, मुश्किल से 5 to 7 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। जब आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या शाम में बच्चों को देना है तो आप बना के सब चीज़ें तैयार करके रख लें। इवन आप मैक्रोनी भी उबाल करके और उसको पानी में करके रख लें। सिरका डाल रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून, चिली सॉस डाला है 1 टेबल स्पून, सोया सॉस डाला है इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून मैंने, और आपकी झटपट से आप बना लें इसको। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ, इतनी जल्दी से तैयार हो जाती है। सब्जियाँ भी ज़्यादा नहीं पकनी होती, चिकन भी बहुत जल्दी से रेडी हो जाता है। मैक्रोनी आप उबाल के रख लें। ये देखिए, 3 to 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैं टोमेटो केचप ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैक्रोनी में एक बहुत ज़बरदस्त सा ग्लेज आता है। ओरिगानो ऐड करी है मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून। हमारी चिकन मैक्रोनी तैयार है बिल्कुल, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो एटलीस्ट 2 to 3 मिनट वॉच कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिल सकें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।